अहम खबरें दिखाएंगे। सागर के मोतीनगर थाना अंतर्गत बीते दिन एक मनचले के द्वारा एक तरफा प्रेम में एक युवती को गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में आज मृतक युवती के परिजनों को इंसाफ मिले इसकी आवाज उठाते हुए मृतिका का शव थाने के बाहर रखकर जमकर केसरवानी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम लगाते हुए प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह से प्रदेश में बढ़ते भांजियों के ऊपर छेड़छाड़ अत्याचार के मामले में अंकुश लगाने की आवाज उठा पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांगा। आयोजित प्रदर्शन के दौरान पूर्व में पीड़ित मृतिका के साथ छेड़छाड़ करते हुए आरोपी द्वारा उस पर किए गए प्राणघातक हमले के बाद भी स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा मामले में आरोपी के खिलाफ कमजोर धारा में मामला दर्ज किए जाने से उसे न्यायालय से जमानत मिलने पर समाजजनों में खासा आक्रोश देखा गया, जहां समाज के महिला पुरुषों ने लचर कानून व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए जमकर खरी खोटी सुना अपना विरोध भी दर्ज कराया और आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की आवाज उठा। जल्द उसकी गिरफ्तारी के साथ पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कराए जाने की आवाज भी उठाई। घटना से आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों के मृतिका के शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन की सूचना पर एडिशनल एसपी सिटी मजिस्ट्रेट सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनाक्रम को लेकर आक्रोशित परिजनों एवं समाजजनों के गुस्से को शांत करा। मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले इसके लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया और आक्रोशित लोगों को शांत कराया, जहां चक्का जाम खुलवाते हुए मृतिका के शव की अंत्येष्टि कराई। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा के मुताबिक इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, तो वहीं उसके द्वारा अर्जित अवैध निर्माण को भी प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। साथ ही समाजजनों एवं परिजनों की मामले में कुछ अपनी दलील थी जिनको भी सुनकर गंभीरता से उन्हें विवेचना में शामिल किया गया और पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जल्द आरोपी के सलाखों के पीछे होने का भरोसा भी दिलाया। पूनम केशरवानी बेटी श्री मनीष केशरवानी जो कि एक चाट का ठेला चलाते हैं और बड़े परिश्रम से जो अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, एमएससी बेटी कर रही थी, उसका एक जो है मनचले ने जो है मर्डर कर दिया है, जो अपराधी प्रवृत्ति का था। और ज्ञापन इस संदर्भ में दे रहे हैं कि प्रदेश की भांजियों की सुरक्षा पे आदरणीय भाई साहब ध्यान दें, क्योंकि अगर ये परेशान कर रहा था लंबे समय से और केस भी थाने में दर्ज किया गया था, अगर उस पर छेड़छाड़ की धारा के अलावा जब उसने घर में घुस करके उसकी नसें काटी थी चक्कू से, अटेम्प्ट टू मर्डर लगता, तो अपराधी जो है जमानत पे छूट नहीं पाता। ऐसे केसेस में जमानत पे छूटना अपराधी के हौसले को बुलंद किया और उसने आने के बाद एक पूनम बेटी का मर्डर किया। और इस सिर्फ पूनम बेटी का मर्डर नहीं है, ये समाज के अंदर न जाने कितनी बेटियों के जीवन में अमावस्या का अंधेरा है। कौन अपनी बेटी को पढ़ा पाएगा इस भय के मारे? कौन नहीं चाहता पढ़ाना? सब चाहते हैं, मगर कोई बेटी की मृत्यु नहीं चाहता, कोई उसकी अस्मत से खिलवाड़ नहीं चाहता। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लिया जाए और 3 महीने के अंदर परिवार को न्याय मिले, यही हम लोगों की मांग है। इसी चीज को लेके हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए। निर्भया बेटी जैसा इतने दिनों तक केस ना चले और उसकी अभी ही सुनवाई हो और ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दी जाए जिसमें और भी हमारी जो बहनें हैं बेटियां हैं घर से निर्भय होकर निकल सके, उनको कम से कम ये ना लगे कि अरे हम तो कहीं जाएंगे, स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे, आज हमारी बेटी कॉलेज गई है तो हमें इतनी चिंता रहती है, अरे हमारी बेटी कहाँ गई, कब आएगी, बार बार उसको फोन ना लगाना पड़े। कम से कम इस अपराध के बाद हमारी और बहनें जो घर के अंदर इस समय दब के रह गई हैं वो दब जाएंगी और वो इस समय निकल सके और उनको न्याय मिले। ऐसे हम लगातार देश में ये घटनाएं घट रही हैं, इसमें आप कानून व्यवस्था को मान सकती हैं? हाँ, कानून व्यवस्था को हम लोग मान सकते हैं। अगर कानून पहले इस बात का उठाने का ऑब्जेक्शन, जब उसको उस लड़के ने नस काटी थी उस समय अगर कानून जागरूक हो जाता उसी समय उस लड़के को पकड़ के रखते, उसको जमानत पे छोड़ते नहीं। केंद्रीय कानून व्यवस्था में भी एक संशोधन के लिए आज ही एक पत्र लिखा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी को और माननीय कानून मंत्री जी को कि जो भी ऐसे केस है जिसमें अपराध संगीन हो रहा है, जिसमें मृत्यु की आशंका है, आरोपी को जमानत पे रिहा ना किया जाए और जो व्यक्ति इसकी जमानत लेता है और जो वकील ऐसे अपराधियों को जमानत दिलाता है, अगर आरोपी जमानत पे छूटने के बाद ऐसे जघन्य अपराध करता है तो
तो वही वही सजा जमानत लेने वाले को भी और वही सजा जमानत दिलाने वाले वकील को भी होनी चाहिए। हम सब महिलाओं की मांग है, हमें न्याय मिलना ही चाहिए। आपके परिवार समाज ने किया क्या? कल दिनांक को थाना मोती अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक युवती की जो है गन शॉट इंजरी से हत्या कारित करने की घटना हुई थी। पुलिस ने तत्काल मौके से जो है अपराध पंजीबद्ध किया था जीरो पर। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत मौके के साथ जुटाए, इसके उपरांत जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया कि इस आरोपी के जो है पूर्व में भी एक अपराध था, जिसको लेकर पहले से एक पत्राचार था कि इनका अगर कोई अवैध निर्माण है इसको ध्वस्त किया जाए। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय मौके पर पहुँचे और नियत प्रक्रिया से तो उनके द्वारा नगर निगम के द्वारा जो है उक्त अवैध निर्माण को उठाया गया। इसके उपरांत जो पीएम कराया गया, पीएम कराने के उपरांत जो अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी जो चक्काजाम किया है इनका क्या बोलना था, क्या चक्काजाम किया है? मृतक पक्ष का अभी एक आक्षेप था कि इसमें जो आरोपी है उसकी माँ और उसका बहन, उसके भूमिका का परीक्षण हो, कहीं उसके द्वारा आरोपी को उकसाया तो नहीं गया है या प्रत्यक्ष सहयोग तो नहीं किया गया है। इस तथ्य को हम संज्ञान में ले रहे हैं और विवेचना में समाहित करते हुए यदि उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्य आरोपी अभी फरार कर रहा है कि मुख्य आरोपी की अभी तलाश चल रही है, पुलिस को उसमें अहम सुराग मिले हैं, टीम हमारी अभी मौके पर है, जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा। हम खबरें दिखाएंगे।